दोस्तों, आज से करीब 4.4 बिलियन ईयर्स पहले जब थिया नाम के एक मार्स लाइक स्ट्रक्चर की धरती से टक्कर हुई थी, तब अर्थ के फ्रेगमेंट्स के टूटकर रोश लिमिट के जस्ट बाहर इकट्ठा होने की वजह से चंद्रमा का जन्म हुआ था। अब ये कहानी तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा सुनिए। जब नए नवेले चांद का जन्म हुआ था, तब उसके द्वारा अप्लाई किए जा रहे फोर्स की वजह से हमारी धरती 4 घंटों में एक बार अपने एक्सिस में पूरी तरह घूम जाया करती थी। यानी उस दौर में अर्थ एक रोटेशन सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लिया करती थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चांद के धरती से दूर जाने की वजह से हमारी रोटेशन स्पीड लगातार कम होती रही है, जिसे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं तो इस घटना के करीब 30,000 साल बाद दिन 6 घंटे के हो गए, 6 करोड़ साल बाद 10 घंटे के हो गए। आज से 2.5 अरब साल पहले 18 घंटों के 2.3 से 1.4 या 1.3 बिलियन साल पहले तक करीब करीब 19 घंटे के, और फिर ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। बट वेट ए सेकेंड, कुछ नोटिस किया? वेल, नोटिस करने वाली बात यह है कि जहां चांद की क्रिएशन के बाद से ही धरती की रोटेशन स्पीड लगातार बहुत मैसिव स्केल पर कम होती जा रही थी, जिससे जहां कुछ मिलियन सालों में ही पृथ्वी के दिन कई घंटे लंबे होने लगे थे, वहीं 2.3 से लेकर 1.4 बिलियन साल पहले के मिड प्रोटेरोजोइक एरा में करीब 1 बिलियन सालों तक दिन 19 घंटे के ही थे। और ये भी नहीं कि उसके बाद डे ड्यूरेशन कभी बढ़ी नहीं, बल्कि उस 1 बिलियन साल के बाद वापस से दिन लंबे होने लगे, वो भी एक इंक्लाइंड ग्राफ के साथ। अब देखो, सवाल ये आता है कि उन 1 अरब सालों में ऐसा हुआ क्या कि धरती पूरी तरह से स्टेबल हो गई थी? क्या उस दौर में चांद ने हमसे दूर जाना बंद कर दिया था, या फिर धरती पर कोई ऐसी स्पीसीज आ गई थी जिसने अर्थ के आसपास के स्पेस टाइम कॉन्टिनम को अपने काबू में कर लिया था? वेल, आज के इस वीडियो में हम उसी 1 अरब साल की मिस्ट्री को डिकोड करते हुए इस बात का भी पता लगाएंगे कि आखिर उस दौर में धरती का स्टेबल रहना हमारे लाइफ एवोल्यूशन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो दोस्तों, बेसिकली ये पूरा मामला शुरू हुआ 12 जून 2023 के दिन नेचर जर्नल में पब्लिश होने वाले इस रिसर्च पेपर से, जिसे पब्लिश किया था रॉस एंड मिशेल और उवे किर्शेर ने। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी नई रिसर्च पर काम करते हुए धरती और चंद्रमा के रिलेशनशिप और उसके इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे थे, तो इसके लिए वो दोनों चाइना समेत दुनिया के अलग अलग कोनों में सेडिमेंटरी रॉक्स के सैंपल को इकट्ठा करके उन सैंपल्स के साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी डेटा जुटाने के लिए गए, और उनके द्वारा विजिट की गई लोकेशंस की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते। दिमाग में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि ये साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी क्या है, तो चलिए पहले यही एक्सप्लेन करते हैं। साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी बेसिकली सेडिमेंटरी रॉक्स के रिदम को स्टडी करने वाली ऐसी फील्ड है, जिसमें सेडिमेंटरी रॉक्स के सैंपल्स में बने पैटर्न को ऑब्जर्व करके ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जब वो पत्थर उस जगह पर जमा हुए थे, तब धरती की सोलर कंडीशन कैसी थी। नाउ फॉर एग्जांपल, उस समय दिन कितने घंटे का हुआ करता था, धरती पर किस तरह का मौसम हुआ करता था, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, चूंकि पृथ्वी की शुरुआत से लेकर आज तक एक दिन के ड्यूरेशन और धरती की यूनिवर्सल पोजीशन हमेशा से चेंज होती रही है ड्यू टू मिलांकोविच साइकिल, जिनके बारे में हम अपने इस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और समय समय पर होने वाले इन्हीं बदलाव की वजह से अलग अलग टाइम पीरियड पर इकट्ठा होने वाले सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के सैंपल्स में साल दर साल होने वाले चेंजेस नोटिस किए जाते रहे हैं। अब इस साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी में सोलर इरेडिएशन यानी सूर्य द्वारा रिलीज किए जाने वाले रेडिएशन के वो फ्रेगमेंट्स जो कोई रॉक ऑब्जर्व करता है, वो रेडिएशन ट्रेसेस डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं ये पता लगाने के लिए कि उस दौर में दिन आखिर कितना लंबा हुआ करता था। नाउ आफ्टर ऑल, दिन जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा किसी पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और उतनी ही ज्यादा कोई रॉक वो सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट? और अगर आप इसी रेडिएशन के एवरेज आर काउंट रिजल्ट को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसे अगर आप धरती के इतिहास के शुरुआत से लेकर आज तक के ग्राफ से कंपेयर करेंगे, तब आपको दोनों के बीच में ये स्ट्रेट लाइन कॉमन दिखेगी, जो दिखाती है कि कैसे मिड प्रोटेरोजोइक पीरियड में धरती की रोटेशन स्पीड की इंक्रीमेंट बिल्कुल धीमी हो गई थी, और बाद में ये वापस से बढ़ने लगी थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों,
क्योंकि वो यूनिवर्स जो अभी मोटा मोटा 13.7 से लेकर 14 बिलियन साल ही पुराना है, वहाँ किसी पृथ्वी जैसे एक्सट्रीमली एक्टिव प्लैनेट के अंदर 1 अरब सालों तक ऐसी एसेंशियल गतिविधि का ना होना बहुत बड़ा शक पैदा करता है किसी बड़ी अनहोनी का। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा सिर्फ 2 कारणों से ही पॉसिबल है। नंबर 1, या तो उन 1 अरब सालों के लिए चांद ने हमसे दूर जाना बंद कर दिया था, या नंबर 2, उस पीरियड ऑफ टाइम में किसी आउटर फोर्स ने धरती की रोटेशनल स्पीड को कम होने से रोक दिया था। थोड़ी रिसर्च के बाद मून वाली पॉसिबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि चांद के हमसे कॉन्स्टेंटली दूर जाने को नेग्लेक्ट करने वाला कोई भी डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, जिसका मतलब ये था कि उस दौर में किसी आउटर फोर्स ने धरती को ऐसा जकड़ कर रखा था कि वो आउटर फोर्स मून द्वारा अप्लाई किए जा रहे फोर्स को काउंटर कर रही थी। एंड हियर कम्स द स्कैरी पार्ट, कि वो आउटर फोर्स किस चीज से और कहां से आया, क्या उसके पीछे खतरनाक एलियंस थे, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट था, या कोई करप्ट नेता। वेल, आंसर है इन तीनों में से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब हमारे सूरज चाचू अपने कोर में छुपा कर बैठे हैं। नहीं समझे तो वीडियो को लाइक करो। चलो मैं समझाता हूँ। दरअसल जिस तरह से चांद द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स की वजह से लूनार एटमॉस्फेरिक टाइड्स जनरेट होती है, जो समुद्र में ज्वार भाटा का भी कारण बनती है, उसी तरह से सूर्य भी धरती के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जो असर दिखाता है सोलर एटमॉस्फेरिक टाइड्स के रूप में। अब सन द्वारा जनरेट होने वाली टाइड्स को थर्मल टाइड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धरती पर पड़ने वाली हीट और गर्म हवाओं का भी एक मेजर कारण बनती है। लेकिन चूंकि सूर्य भी अपने स्तर से धरती पर फोर्स अप्लाई करता रहता है, इसलिए ये प्रेशर भी अर्थ की रोटेशन में कई बार एक मेजर रोल प्ले करते हुए सामने आती है। अब अगर उस दौर की पोजीशन को समझे तो मिड प्रोटेरोजोइक पीरियड में चांद उसी स्पीड से धरती से दूर जा रहा था जिस स्पीड से उसे जाना चाहिए, लेकिन मिलांकोविच साइकिल के चलते उस वक्त धरती सूर्य के पैरेलल में एक ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ी हो गई और सूर्य का भी कुछ ऐसा फोर्स धरती पर पड़ने लगा कि सोलर एटमॉस्फेरिक टाइड्स अर्थ की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाने का काम करने लगी। नाउ देखो, हुआ कुछ ऐसा कि जहां चांद के दूर जाने की वजह से लूनार फोर्स धरती को धीमा का काम कर रहा था, वही सूरज द्वारा आने वाली सोलर एटमॉस्फेरिक टाइड्स रोटेशनल स्पीड को बढ़ाने के निर्देश दे रही थी। और अंत में हुआ क्या कि दोनों ने धरती के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल फोर्स अप्लाई किया, जिस वजह से दोनों का एक्सेसिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर नलीफाई हो गया और बदले में हमें मिला 1 अरब सालों के लिए 19 घंटों का दिन। अब और सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो जिस तरह एक ग्लोब को अगर आप एक हाथ से घुमाएंगे तो वो घूमने लगेगा, लेकिन दोनों हाथ से पकड़ कर रखेंगे तो नहीं घूमेगा। कुछ वही हाल यहाँ पर धरती के साथ हुआ, जहाँ एक हाथ का फोर्स मून ने लगाया और दूसरे हाथ का फोर्स सूरज ने। लेकिन पता है कि यहाँ मजे की बात क्या है? वेल, मजे की बात यह है कि आज हम लोग अगर धरती पर आ पाए हैं, वो भी इस टाइम पीरियड में, तो ये कहीं ना कहीं इस स्ट्रेंज कोइंसिडेंस की वजह से ही हुआ है। आज से करीब 2.5 बिलियन साल पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व होना शुरू कर दिया था, लेकिन इस 1 बिलियन साल के टाइम में जिस कंसिस्टेंसी के साथ अर्थ ने सनलाइट को रिसीव करी है, उसी कंसिस्टेंसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थ पर डेवलप होने वाले प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत डेवलप करी, और जब उन्हीं प्लांट्स को इतने लॉन्ग टर्म में पर्याप्त सनलाइट मिली, तब जाकर उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र बहुत से रिपोर्ट्स में किया जा चुका है। और इस एक्सेसिव ऑक्सीजन की वजह से ही कहीं ना कहीं एवोल्यूशन में इतनी स्पीड आ पाई है, जिसकी वजह से आज हम इंसान इंसान बनकर इस स्टेज पर आ पाए हैं। अब इस फैक्ट को रेफर करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाने वाले टिमोथी लियोन्स भी कहते हैं कि ये बड़े ताज्जुब की बात है कि अर्थ के रोटेशन ने ही यहाँ पर होने वाले जीवन के विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। हम इंसानों के एग्जिस्टेंस के पीछे इतने इत्तेफाक जुड़े हुए ना कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंसेस हैपेंड इन द हिस्ट्री। वैसे देखो, जाते जाते एक सवाल पूछता हूँ, और वो ये कि इस पूरे वीडियो में हमने टोटल कितने ग्राफ्स दिखाए हैं। सही जवाब देने वालों को कमेंट में पिन मिलेगा। देखते हैं किसने किसने वीडियो को कितना ध्यान से देखा है, नीचे कमेंट में अपने आंसर्स लिखना। और हाँ, जाने से पहले हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखना, जहाँ हमने बात किया है कि ह्यूमंस को इंटेलिजेंस कैसे मिला था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।